हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको दो फायदे हैं, एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। दैट कुड बी एज सिंपल एज से एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और मे बी समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल, कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई, अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं। अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा? टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा, पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, राइट? ये सब मिलता जुलता है, पत्ता, सट्टा, सुट्टा। इन टा से बच के रहो जी आप। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है, एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो, अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, not just in terms of education but overall। most important advice मैं आपको ये दे सकता हूं based upon my understanding and experience, कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, अब सोचो कहां है कनेक्शन। ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है, तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है। समझ रहे हो, और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे, आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते रहे, है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ करके। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू वुड नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज है। एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए, लेकिन पर्सनालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे, या माइनर चेंजेस आए, एक आप पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। कि आपको अगर कोई हर एक साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा,
अगर वो कह रहा है कि यार तू वैसा ही है बिल्कुल, तू बिल्कुल नहीं बदला, तो समझ जाओ गलत ट्रैक पर जा रहे हो। लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझ लेते हैं, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। पहले भी थके हुए थे, अभी भी थके हुए हो, पहले बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ हो। मजा इसमें आना चाहिए कि कोई पुराना आकर के आपको मिले, कोई पुराना स्कूल का दोस्त आकर के मिले, वो कहेगा भाई क्या हो गया तेरे को, बोला तू तो बिल्कुल ही बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गई, समझ गए। इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आप उससे अलग बने हो जैसे आप थे, आप उससे कुछ बेटर हो गए। तो ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18 साल 19 साल, तो ये अभी के लिए नहीं है, पूरी लाइफ के लिए। लेकिन पूरी लाइफ के लिए ये टिके कैसे रहोगे इस थॉट के ऊपर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से 4 साल पहले जो मेरे सेशंस देखे होंगे और आज जो सेशंस देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा होगा। तो क्या हो रहा है, कभी सोचा है? मैं कॉन्स्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूं। मतलब आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो, अगर अगले 6 महीने बाद मिलोगे तो यू वुड फाइंड अ डिफरेंट पर्सन। कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगेगा, वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है, अरे ना बदल गया भाई। समझ गए ना, दैट मीन्स आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आई एम नॉट स्टैग्नेंट। मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं जिसमें काई जम जाती है, मैं बहते हुए पानी के जैसा हूं, बह रहा हूं बड़ी तेजी से, बह रहा हूं 24 घंटे, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, अगर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समअप करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में, क्योंकि करोगे तो वैसे भी लेकिन अगर सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है। गलत काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो, बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में। गलत काम भी अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड से कर रहे हो कि मुझे सीखना है एंड आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, तो अच्छा है। और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बेकार है, कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना, कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फायदा क्या है, इफ यू आर नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना। तो होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ, आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो। अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जा करके अपने घर से निकल जाओ, घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है, आगे घर वाले मेरे पास आ जाए, कहाँ है जी हमारा बच्चा, मेरी बेटी कहाँ है। घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे हुए हो, थके हुए टीवी देख रहे हो, उससे अच्छा है कि बाहर बैठ जाओ जा करके, और जा करके बैठ करके लोगों को ऑब्जर्व करो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनने वाले हो, जो वो बन चुके हैं उनको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो आप क्या बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, इंजीनियर बन के क्या करोगे, क्या करोगे, किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां पे काम करोगे, वहां बाहर जाकर के बैठ जाओ, देखो उन लोगों को जो वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना चाहते हो, जा करके उन लोगों से बात करो, बात तो कर ही लेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है, लंच ब्रेक होती है उसके टाइम पे सब लोग बाहर आते हैं, करते हैं, बैठते हैं, तो उनसे बात कर सकते हो। ज्यादा नहीं, आपने 2-4 लोगों से भी बात करी, कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। उनको बताओ कि ऐसे से मैं यहां पर हूं, इस कॉलेज में हूं, और मैं आगे जाकर के कुछ अच्छा ऐसा करने का सोच रहा हूं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू, कैन यू शेयर समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस टू मी, इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सोचो तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे क्या वो छोटी चीज होगी, बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप एक तो बिजी हो रहे हो, दूसरा आप सीख रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख रहे हो। तो हो सकता है उनसे बात करके आपको आइडियाज मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला, साथ में ये भी कर लो, तो नाउ यू हैव एन एज। मतलब आपके कॉलेज में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो, आप में और उनमें एक फर्क आ गया,
क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे, शायद वो समझ नहीं पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, बट आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। तो इस तरह से आप अगर अपना ये माइंडसेट बना सको कि मुझे, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, एक तो मेरे को हमेशा अपने आप को बिजी रखना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, देन यू विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड देन दिस ग्रोइंग विल बिकम योर।